अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मीट्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। गाइस, आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है और अभी हम लोग सहरी करने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग एक ब्लॉग बना ही डालते हैं। अभी अभी मैं उठी हूँ, इफ्तार के बाद मैं सो गई थी और अभी सहरी के टाइम मैं उठी हूँ और अंदर मेरी बहनें वो सारी रात जाग रही थी। अभी हम उनके पास चलते हैं और थोड़े से सीन्स चेक करते हैं वो क्या कर रही हैं सहरी के टाइम पे। और अम्मी किचन में सहरी बना रही हैं तो वहाँ की भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं। यहाँ पे अम्मी गुड़ वाले पराठे बना रही है और साथ साथ मरहबा रील बना रही है। सो गाइस, हम लोग कमरे में एंट्री मार चुके हैं और यहाँ पे फायदा बैठी हुई है और वहाँ पे शानदार रमजान चल रहा है वो देखी जा रही है। अकेले मैं क्लिप नहीं बना रहा, अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। आप सब हमारे व्यूअर्स को रमजान मुबारक चढ़ दें अपनी तरफ से। मरहबा हमें बुलाने आ गई है, हम चलते हैं पहले चाय बनाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मजे की चाय बनाते हैं। गाइस, यहाँ पे मेरी सहरी तैयार है और गाइस सारे लोग नींद में, इसलिए कोई भी अभी बात नहीं कर रहा। कल सुबह उठ के मैं इनसे पूछूंगी। अभी ये समेट पाओ। वरों सहरी शहरी हमने कर ली है और अब हम फजर पढ़ते हैं। वरों नमाज हमने पढ़ ली है और इंशाल्लाह अब हम कल सुबह उठेंगे और अपने इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, सुबह हमारी हो चुकी थी 12 बजे, हम उठे हैं और अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट अबू के साथ फ्रेश फ्रूट्स लेने। मरहबा और वे जा रहे हैं, तो चले चलते हैं। और आज अबू ने भी रोज़ा रखा है तो हम आपको आज अबू से भी मिलवाते हैं। उनको रोज़ा लग रहा है नहीं लग रहा उनसे बाद में आके पूछते हैं, लेकिन अभी पहले मार्केट चलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स लेने। एप्पल भी लेने, ये वाले एप्पल जी। अब ये लेना है। सो गाइस, हमने सारे फ्रूट्स फ्रूट्स ले लिए और जो जरूरत थी वे मिठाई ले ली। अब हम चलते हैं घर। हम लोग मार्केट से वापस आ चुके हैं कि अभी पूरे घर में इफ्तारी की तैयारी हो रही है। कौन क्या काम कर रहा है इफ्तारी बनाने के लिए, अभी चलते हैं और देखते हैं। गाइस, यहाँ पे काइना अपनी जावेश्री सबसे पहले बना के रखती है ताकि वो ठंडा हो जाए। अभी से फ्रिज में रख जाओ। और यहाँ पे हमारी खीर बन रही है जो कि फायदा बना रही है और उसके लिए यहाँ पे सामान तैयार हो रहे हैं सारे। गाइस, इधर फिदे की खीर बन रही है और मरहबा की रील बन रही है।
मेरा इतने थोड़ा सा बीमार है, अभी मेरे गले में बहुत दर्द है, इसलिए मैं टाइम में कोई तैयारी नहीं करवा रही। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मैं आज बना रही हूँ खजूर के लड्डू, पहले उसको मैश करेंगे और उसके बाद उसमें कुछ ऐड करेंगे। अभी चलते हैं वो बनाते हैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। खजूर को हम करेंगे मैश और उसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर और ये हमारे मज़े के खजूर के लड्डू तैयार हो जाएंगे। मेरे खजूर के लड्डू तैयार हो चुके हैं जो कि आज इफ्तारी में मेरी तरफ से है और अब ये सारे सामान हम समेटते हैं और साथ साथ यहाँ पे कायनात आलू काट रही है, आलू वाले पकौड़े बना रही है जिसका पैसा उसने पता नहीं कितने साल पहले बना के रखा है। 10 साल से बना हुआ है, हम इसको आराम से यूज़ करेंगे ताकि हमें दोबारा मेहनत ना करें। इधर पहले फ्रूट कट कर रही है, उसके बाद वो पकौड़े बनाएगी और इससे पहले कायनात ने जामे श्री भी बना के रखा है, सारी इफ्तारी में कायनात तैयारी करवा रही है। गाइस ये फ्रूट डिश तैयार हो चुकी है, मैंने इतना अच्छा डेकोरेट किया। गाइस यहाँ पे सारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है और जो वहाँ पे अम्मी ने आलू गोश्त बनाया है, साथ चावल भी हैं और जो सारी इफ्तारी हम एंजॉय करते हैं। तो इधर में रोज़ा इफ्तार होने वाला है।